वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अब है हमारा सेगमेंट तिब्बे नबी के हवाले से. आजकल जैसे कि सर्दियां हैं तो गर्म यानी ड्राई फ्रूट्स का जो मौसम है वो आ चुका है और पता भी नहीं चलता. वैसे तो कहा जाता है एक मुट्ठी भर कई मुट्ठी भर हम खा जाते हैं, हाई कैलोरी होते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. लेकिन एक बेचारा ड्राई फ्रूट जिसकी ज्यादा बात नहीं होती बट इट इज पैक्ड विद सो मेनी न्यूट्रिएंट्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स, वो है जी किशमिश, या फिर जिसको अंग्रेजी में हम रेजन्स कहते हैं. इसकी कई आपको मुख्तलिफ इकसाम मार्केट में मिल जाएंगी और यकीनन हम उसको पुलाव से लेकर हमारे हलवे तक हर चीज में डालते हैं. लेकिन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पे अगर आप दूध से बनी हुई किसी चीज में जैसे खीर है या सवैयां हैं उसमें किशमिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक छोटी सी टिप ये होती है कि उनको एक दफा उबलते पानी में जोश दे दीजिए, ताकि अगर उसकी खटास है जिससे पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी दूध की चीज के फट जाने की, खराब होने की, वो दूर हो सके. लेकिन इसके अलावा किशमिश की क्या फवायद है, आइए जानते हैं और खास तौर पर तिब्बे नबी की नजर से जानते हैं. हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आगा अब्बास साहब. अस्सलाम वालेकुम. सलाम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. अच्छा ये देखें हमारी स्क्रीन पर माशाल्लाह एक नहीं कई इकसाम की इस वक्त लोगों को किशमिशें नजर आ रही हैं. आगा साहब इनमें फर्क क्या होता है? वैसे तो प्राइस का फर्क होता है सबसे बड़ा तो, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या फर्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिल्कुल सच्ची बात आपने कह दी. यकीन करें प्राइस का बड़ा फर्क होता है. इतना पैसों में ऊपर नीचे मामला कर देते हैं दुकानदार. और मैं अर्ज करूंगा कि ये जो किशमिश होती है जी, इसमें एक छोटी किशमिश होती है, एक बड़ी किशमिश होती है. ये जो बड़ी किशमिश होती है जिसे मुनक्का कहते हैं जी, मैं अर्ज करूंगा अपने सुनने वालों की खिदमत में और आपके सुनने वाले तिब्बे नबी के नुस्खों को बड़े दिल से लेते हैं. मैंने देखा फेसबुक पेज पे बड़े दिल से लेते हैं और उसको आजमाते हैं और उसको परखते हैं, उसको उससे फायदा उठाते हैं. देखिए मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनक्का 21 दाने मुनक्के के अगर सुबह निहार मुंह धोकर, मुनक्के को धोकर 21 दाने मुनक्के के सुबह निहार मुंह खाया जाए तो जुमला अमराज, 70 किस्म के अमराज की दवा है ये. अब 70 किस्म के कौन से अमराज हैं? हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, दिल का अर्जा हो गया, गुर्दों के अमराज हो गए, शुगर के अमराज हो गए, और आपको फालिज के अमराज हो गए, याददाश्त के अमराज हो गए. जुमला अमराज की दवा है. यानी कि अगर आप चाहते हैं मुस्तकबिल में कभी आपको शुगर ना हो, आपके बच्चों को ना हो, तो उनको 21 दाने ये मुनक्के के या किशमिश के खिलाए जाए निहार मुंह. तमाम बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद है. हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब किश्ती नूह वापस आई तूफान नूह के बाद, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा जी, जब ये मंजर देखा हर तरफ मैयतें थी, लाशें थी तूफान नूह के बाद, तो उनको बड़ा दुख हुआ, बहुत अफसुर्दगी हुई, बहुत गम हुआ, बहुत रंज हुआ. परवरदिगार आलम ने फरमाया कि नूह तुम्हें चाहिए कि काला अंगूर खाओ, स्याह अंगूर खाओ. सियाह अंगूर से डिप्रेशन दूर होती है. आपने पहले भी बताया था, मुझे याद है जब हम बात कर रहे थे कोविड के दौरान भी कि लोगों को एंजाइटी स्ट्रेस ज्यादा है. इसमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जी, जो आपकी जहनी सेहत को, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी. अगर साहब मुझे बताएं कि मुनक्का और किशमिश का तो आपने फर्क बताया, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ब्रेकफास्ट मिक्सेस हैं, चाहे वो आपका सीरियल है या फिर ग्रैनुला मिक्स है, उसके अंदर किशमिश ऑलरेडी मिली हुई होती है, क्या वो भी उसके यानी फायदे उसी तरह के हैं या आप अलग से उनको मिलाने का कहेंगे? देखिए फायदे तो किशमिश को आप जिस चीज के साथ खाएंगे वो फायदा ही फायदा है. बस शुगर के मरीज को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए. अगर शुगर के मरीज का जी चाह रहा है, जी तो चाहता है ना कि भाई हम भी किशमिश खाएं, सब खा रहे हैं. भुने हुए चने जो छिलके समेत भुने गए, एक बगैर छिलके के भुना हुआ चना होता है, एक छिलके वाला, भुने हुए चनों के साथ थोड़ी सी किशमिश, मतलब अगर एक मुट्ठी भुने हुए चने हैं तो उसमें 10-12 दाने किशमिश के खा सकते हैं, शुगर हाई नहीं होगी. बिल्कुल सही. अच्छा वजन के हवाले से भी सवाल आया है, किशमिश में तो मिठास भी है, ड्राई फ्रूट भी है, कैसे वजन बढ़ता है? देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब किशमिश को रात को भिगो के रख देना चाहिए और सुबह उसको खाना चाहिए. अगर भिगो के किशमिश सुबह खाएंगे तो वजन बढ़ेगा. अच्छा बहुत सारे लोग इसका जोशांदा बनाते हैं. जोशांदा बना के क्या फायदा होता है सिदरा? जोशांदा जब आपने बना लिया, अब जैसे इस सीजन में गला खराब होता है, हलक में सोजिश पैदा हो जाती है,
अगर उस सोजिश को खत्म करना चाहते हैं, किशमिश का जोशांदा बना के उसको छान कर उसके पानी से अगर गरारे करें सही। तो हलक की सोजिश पहले एक आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। अच्छा, फिर उस पानी को आप फेंके नहीं, आपने गरारे कर लिए, कुछ पानी बच गया, कुछ किशमिश बच गई, वो किशमिश खा लें। नकसीर के लिए फायदेमंद है, अगर उसको उबली हुई किशमिश को आपने खाया और उस पर पानी पिया, नकसीर बंद हो जाती है और ताजा खून पैदा करता है। अगर किसी को कह आ रही है, यानी कि वॉमिटिंग हो रही है, अगर वो भी इसका पानी और उबली हुई किशमिश खा ले, उसकी कह बंद हो जाती है। अच्छा, ये वजन के लिए भी या ये ब्यूटी के लिए लोग करते हैं कि वो जो आपने जैसे बताया कि किशमिश को रात भर भिगो कर उसके पानी के इस्तेमाल से क्या, व्हाट इज द बेनिफिट? देखिए, किशमिश तो खाकर भी रंगत बहुत निखारती है, और किशमिश का पानी अगर पका के उसका पानी ठंडा करके चेहरे पे खवातीन मलती हैं, इससे रंग बेहद निखरता है और दाग धब्बे और कील मुहासे सब खत्म होते हैं। इसके बड़े फायदे हैं, लेकिन मैं एक फायदे का और अर्ज कर दूं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी को रगों, पट्ठों और हड्डियों में तकलीफ हो, यानी कि तीनों तकलीफें हों, या तीनों में से कोई एक भी तकलीफ हो, किसी को हड्डियों की तकलीफ है, या किसी को रगों में तकलीफ है, किसी के मसल्स की तकलीफ है, पट्ठे कमजोर हो गए, उनको चाहिए। पूरी दुनिया में सिदरा मेरी बहन, एक मुल्क ऐसा है और बड़ा बाबरकत मुल्क है, सऊदी अरब। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ताइफ का मुनक्का, ताइफ एक शहर है सऊदी अरब का, ताइफ का मुनक्का।